Maybelline Faces Lakme 9 Plus Color Bath Skin Care में Oshia Wow Rich Feel Raga और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में Pile Beauty Corner मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ स्कूल फीस को लेकर जहां पेरेंट्स हंगामा मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुमरा शहर के दो स्कूल ऐसे हैं जो जनता की परेशानी को समझते हुए 3 महीने के फीस माफ़ कर दिए हैं। शादी महल गली में ये स्कूल है, इस स्कूल का नाम है आइडियल हाई स्कूल और दूसरे स्कूल का नाम है अरकम इस्लामिक स्कूल जो आइडियल मार्केट के पास है। आइडियल स्कूल में 350 से 400 बच्चे पढ़ते हैं और लगभग अरकम स्कूल में भी इतनी ही बच्चों की संख्या है। यानी कि ये छोटे छोटे स्कूल जो फीस माफ़ कर रहे हैं, वही मुमरा शहर से लाखों रुपए पेरेंट्स से कमाने वाले स्कूल किसी तरह की फीस माफ़ करने को राजी नहीं है। ये अलग बात है कि अभी तक सरकार का कोई फैसला नहीं आया है, मगर इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। पेरेंट्स फीस की समस्या को लेकर नेता से स्कूल तक हंगामा कर चुके हैं, मगर पेरेंट्स का कहना है कि जब पढ़ाई ही नहीं हुई है तो फीस किस चीज़ की दी जाए। 3 महीने की फीस लॉकडाउन के दरमियान की आइडियल स्कूल ने माफ़ कर दिया है। और वहीं अरकम इस्लामिक स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल मोहित फुलपुरी ने भी कहा है कि लॉकडाउन से अब तक जो स्कूल बंद है, यहाँ तक की फीस हम नहीं लेंगे, माफ़ कर दिए हैं। वहीं अब इन दोनों स्कूलों से सीख लेने की ज़रूरत है उन स्कूलों को जो फीस के लिए पेरेंट्स को परेशान करते हैं, मैसेज भेजते हैं। आपको बता दें, इन दोनों स्कूलों ने नगर सेवक जफर नुमानी की मांग पर फीस माफ़ की है और नगर सेवक जफर नुमानी अरकम स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल मोहित फुलपुरी ने क्या कहा है, सुनिए। हमारे बड़े भाई हैं मौलाना मोहित फुलपुरी साहब, उनका स्कूल है अरकम इस्लामिक स्कूल जो कौसा में आइडियल स्कूल आइडियल मार्केट है, उसी में इनका स्कूल है। तकरीबन 300 से 350 बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते हैं। हमने उनसे भी कहा था कि सर, कोविड में जो हालात है, लोगों के हालात बस से बदतर है, लोगों को खाने की परेशानी है, दवाई की परेशानी, हर तरीके से लोग टूट चुके हैं। तो सर, अगर आप जो बच्चे आपके यहाँ एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, हम उनको साल भर पढ़ाते हैं और साल भर हम उनसे फीस लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे हालात में आपने 3 से 4 महीने की फीस को माफ़ कर देंगे, जब तक मेरा स्कूल चालू नहीं होता है तब तक के लिए मैं 1 रुपया भी फीस माफ़ कर दूंगा, हर 1 रुपया भी फीस नहीं लूंगा, और जितना भी चाहे वो 3 महीना हो, 4 महीना हो, 5 महीना हो, मैं फीस को माफ़ कर दूंगा। ये मैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी, मैंने आइडियल स्कूल है जो पीछे शरीफा रोड पर है, आइडियल स्कूल, उसकी प्रिंसिपल से मैंने बात की थी, उन्होंने भी मेरी बात पर लब्बैक कहा। उनके यहाँ 400 बच्चे हैं, उन्होंने 3 महीने की फीस और 1 टर्म फीस उन्होंने माफ़ कर दिया है। मैं जो स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल मोहित फुलपुरी है और हम जिस स्कूल को चलाते हैं उसका नाम है अरकम इस्लामिक स्कूल। अरकम इस्लामिक स्कूल को चलाने के लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया, सुफा फाउंडेशन। लेकिन इस बीच में हमारे दोस्त जफर नुमानी साहब और हमारे ख़ास दोस्त आदिल खान आज़मी साहब और इस तरह के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता मुमरा में हैं, जो हमेशा मुमरा के आवाम की और गरीबों की भलाई सोचते हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना आप हिम्मत करें और ऐलान करें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने ऐलान किया सोशल मीडिया के थ्रू, अपने पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में हमने भेजा कि हम अरकम इस्लामिक स्कूल जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक कोई फीस अपने पेरेंट्स से नहीं लेगा।